ये स्तनधारी है, ये बच्चे को जन्म देती है, मतलब कहने का ये कैसी मछली है जो बच्चे का जन्म देती है, अंडा नहीं देती है, अरे दूध भी पिलाती है, पानी में रहने वाली कैसी मछली है जो बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है और उसको क्या करती है, दूध ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है। और ये जो डॉल्फिन मछली है ये कभी भी मछली की श्रेणी में नहीं आता है, डॉल्फिन कभी भी मछली की श्रेणी में नहीं आता है, ये दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछली माना जाता है, दुनिया की सबसे बुद्धिमान, इसके पास भावनाएं होती हैं, प्यार करता है, गम सकता है, सब कुछ, ठीक है। देखिए छोटी सी बच्ची है, इसको किस कर रही है, ठीक है, खेलता है, गुब्बारा उबारा देखे होंगे आप लोग, हाँ। तो जो ये मछली होती है, तो जो स्टार फिश हो गया वो भी मछली नहीं है, डॉल्फिन हो गया वो भी मछली नहीं है, व्हेल मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन होती है, वो मछली नहीं है, वो भी मैमला है, वो भी बच्चे को दूध पिलाती है, जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। और जो सिधरी मछली है वो क्या है, मछली है, काहे को अंडा देती है, टेंगना अंडा देती है, मलगा अंडा देती है, ठीक है। हाँ, मछली खत्म, मत्स्य वर्ग आपको समझ में आ गया। आगे मत्स्य के बाद आपका आएगा पक्षी वर्ग, क्या आएगा, पक्षी। चिड़ै के बारे में थोड़ा समझ लो, देखो चिड़ै में क्या होता है, पक्षी वर्ग में जो छोटे पक्षी होते हैं, हम इस फोटो की बात नहीं कर रहे हैं, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग में साधारणतः दुनिया में जितनी भी पक्षियां होती हैं उनके हड्डियों में क्या भरे होते हैं, हवा भरी होती है, उसके हड्डियों में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसीलिए उनका लाइट वेट होता है, लाइट वेट मतलब हल्का वेट होता है, इसीलिए वो उड़ जाते हैं, ठीक है। उसके जो पंख होते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा बात हमारी, उनके जो पंख होते हैं तो उड़ने का तो काम करता है, मगर उस पंख भगवान ने पक्षियों को पंख इसलिए दे दिया है कि उनका शरीर गर्म रहे, उनका शरीर गर्म रहे, अपने आप को गर्म बनाए रखे, ठीक है। तो पक्षियों का एक नियम है, तो पक्षी उड़ने के लिए भगवान ने पंख तो दिया है, मगर उसका दूसरा काम होता है उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करके रखता है। अगला क्या है इसमें, तो इस हड्डी में क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है, पंख क्या होते हैं, गर्मी प्रदान करने के लिए होते हैं, और इनके पूरे शरीर के ऊपर मोम, मोम का पदार्थ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि पक्षी भीगने पे झाड़ छोड़ लेते हैं तो अपना शरीर क्या हो जाता है, उसका पानी वानी गायब हो जाता है। कभी आप देखे उन पक्षी भीगते नहीं है, जी सर, बूंद गिरेगा तो छलक नीचे गिर जाएगा, भीगबा नहीं करेगा, क्योंकि मोम जैसा इनके पंखों पे पदार्थ पाया जाता है मोम, इसी की वजह से ये लोग भीगते नहीं है, पानी के अंदर से डुबा के बाहर निकालेंगे ना, उछाड़ लेगा जब शरीर अपना, तो क्या हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, एक दाना नहीं लगेगा। अब कुकुर नहा ले तो बार होगा ना उसके शरीर पे, तो पानी नहीं लगता है। भीगी बिल्ली नाम सुने ना, भीगी बिल्ली, तो भीगी बिल्ली उसे कहते हैं जो बहुत कामचोर हो, डरपोक हो, नहीं समझे हैं, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली हो क्या, ऐसा नहीं बोलते हैं सर। तो पक्षी वर्ग में क्या होता है, ये तीन चीजें आप याद रखिएगा। अब देखिए जिसका फोटो देख रहे हैं आप, वो ऑस्ट्रिच है, क्या है, शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा अंडा यही देता है, इसका जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है, पढ़ा चुके हैं ऑस्ट्रिच, हाँ, इसका जो निवास स्थान होता है ऑस्ट्रिच का, ये पाया जाता है आपका साउथ में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका इसका मूल निवास स्थान है, ऑस्ट्रेलिया मालदीव में भी पाया जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। और ये जो देख रहे हैं फुटकुनिया टाइप लाल है, ये इसका नाम है हमिंग बर्ड, क्या नाम है बाबू, हमिंग बर्ड, याद रखने की जगह तुरंत नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, हमिंग बर्ड ये दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी, देख रहे हैं अंगड़ी पे बैठा है, इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा, ठीक है। अब सोचिए इसका अंडा कितना छोटा होगा, बगीचा नियर होता है, बिस्टुया करना देखे हैं, उससे भी छोटा अंडा देती है हमिंग बर्ड, तो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी, और दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी अबाबिल, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी अबाबिल, अबाबिल सबसे तेज पक्षी होता है, जो बहुत गोली के आकार से उड़ता है, एकदम लगभग नहीं करेगा, इतना तेज उड़ेगा, शायद उड़ेगा अबाबिल, ठीक है। ये पक्षी वर्ग आपका खत्म होता है इस प्रकार से। आगे अब हम लोग आएंगे जाएंगे मैमल,
स्तनधारी, इसमें आएंगे हम लोग स्तनधारी। जो बच्चे को जन्म दे के दूध पिलाए वो क्या होता है जी, वो इंसान होता है। क्या होता है? इंसान, बकरी, भेड़ी, ठीक है? आए समझ में? आए समझ में? आ कोई कुछ बोल रहा है? ऐसा तो फुटगुआ नहीं है, चलो सिर्फ बता देते हैं, अभी बता रहे हैं। अगला जो है कार्डेटा संघ में हम लोग चिड़ई मेघा उघा सब पढ़ लिए हैं, सभी वर्ग सभी सर्प भी पढ़ लिए हैं। अब हमारा आएगा मैमेलिया वर्ग। कौन सा? मैमेलिया, स्तनधारी। अगला क्या आएगा हमारा? स्तनधारी। ध्यान से बात नहीं, अभी बतियाने का हम समय देंगे भाई, हम खुद बतियाना चाहते हैं सबसे, बतिया ही नहीं पाते हैं। मैमेलिया, इसको क्या कहते हैं? मैमेलिया वर्ग, मैमेलिया वर्ग। ये क्या करते हैं भाई, ये बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जब जन्म हो जाता है तो उसको पेट भरने के लिए क्या करते हैं सब? दूध पिलाते हैं। ये दो चीजें हैं, आ गया। और इनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पूर्णतया विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग विकसित हैं। गाय, सुअर, शेर, चीता, गिलहरी, फलाना, ढेमकाना, सब विकसित होते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? सब विकसित होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब विकसित रीढ़ के हड्डी वाले जानवरों में हम लोग जानवर हैं, ठीक है? इसमें तीन कैटेगरी होता है, कितना होता है? तीन कैटेगरी। पहला होता है प्रोटोथेरिया। क्या? प्रोटोथेरिया। ध्यान सुनिएगा, प्रोटोथेरिया ये बहुत जटिल चीज है, जिंदगी भर से पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आता है। प्रोटोथेरिया। अगला क्या होता है? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में वे जीव आते हैं जो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। हम लोग विकसित बच्चे को जन्म देते हैं जी, हम लोग बंदर नहीं पैदा करेंगे, इंसान है तो इंसान का बच्चा पैदा करेंगे का जी, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना। तो जो प्रोटोथेरिया बाबू ना, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोथेरिया में क्या होता है, हम लोग विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। क्या? प्रोटोथेरिया में हम लोग अविकसित बच्चे, प्रोटोथेरिया में क्या होता है, अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। बायोलॉजी वाले, इंटर वाले, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पढ़ना है। अभी तीन चार दिन पहले इतना मोर पेट्रोल पहली लेकर आई थी बायोलॉजी, ऐसे किताब कौन सा जानवर है, तो ये है प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। एकिडना भी कहते हैं। ये प्लेटिपस एक ऐसा जीव है, ये पानी के अंदर भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, ठीक है? पानी के अंदर अंडे दे देता है, अब बाद में जो अंडे में से बच्चा निकला है उसको दूध पिलाता है। बड़ा अजीब जानवर, धरती पर यही एक जानवर है प्लेटिपस जो अंडे देता है, अंडे से बच्चा जब निकल जाता है तो उसको दूध पिलाता है, पानी में डाल, ठीक है? इसका क्या नाम है? प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। ये किस जीव का उदाहरण है? ये मैमेलिया वर्ग का प्रोटोथेरिया जीव है। मैमेलिया वर्ग का प्रोटोथेरिया जीव। मोनिका, ये कैसा जीव है, किस वर्ग का है? काइनो कार्डेटा है, कार्डेटा है, ये बताओ। कार्डेटा है। कार्डेटा में प्रोटोथेरिया वर्ग नहीं होगा, विकसित बच्चे को जन्म देता है, अंडा दे रहा है, बाद में दूध पिला रहा है, धोखाबाजी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है? कि तो वो अंडा देता कि तो जन्म ही देता, मगर ये दो तरीके से काम करता है, अंडे दे के बाद में दूध पिलाता है, प्लेटिपस है। बस यही जान लेंगे इसके बारे में, यही चीज यह लिखा रहता है डेढ़ पन्ना, हाँ पगला देगा किताब पढ़ेंगे तो। अगला हमारा अविकसित कौन सा है भाई, इसके बारे में नहीं बताए जी, चलो छोड़ो। हाँ 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 तो बता दीजिए। अगला है आपका प्रोटोथेरिया हो गया, मैमेलिया में जो बच्चे को जन्म दे के दूध पिलाते हैं। रहने दो, खुलेगा नहीं, रहने दो भाई, बड़बड़ाने दो, अभी हम देख रहे हैं कौन बड़बड़ाया था, ठीक है? अच्छा लगा देखने के, ठीक है? तो देखिए, पहले आपने देखा प्रोटोथेरिया जो अविकसित बच्चे को जन्म देता है, दूसरा हो जाएगा हमारा मेटाथेरिया। क्या? मेटाथेरिया। ये भी अविकसित बच्चे को जन्म देता है, मेटा थे रिया, तो हिंदी
मेटाथेरिया, ये भी अविकसित और विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, कौन विद्वान बच्चा बताएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। कूद कूद के चलता है, दुई पैर होता है, पूंछ होता है। तो ये बताइए, इसका रीढ़ का हड्डी होगा तो मैमेलिया वर्ग में आएगा? नहीं आएगा। आएगा। इसका रीढ़ का हड्डी होगा, एक्सरे करेंगे जब तो रीढ़ का हड्डी इसका दिखेगा? नहीं दिखेगा। मगर ये जो बच्चा को जन्म देता है, बच्चा अनफॉर्चुनेटली तुरंत चल नहीं पाता है, उसमें बहुत समय लगता है, 4-6 महीना लग जाता है। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, अभी इसका मुंह देखिए, शाकाहारी है, मांस तो खाएगा नहीं, तो शाकाहारी है, इसीलिए मुंहवा कम खोल पाएगा, मुंहवा कम खोल पाएगा, मुंह में बच्चा दबा नहीं पाएगा, दबा के भाग नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान ने हर जानवर के सेफ्टी के लिए नियम कंप्यूटर से बना दिया है कि ठीक है, तुम बच्चा को मुंह में दबा के नहीं भाग पाओगे, जब कोई शिकार आएगा तो तुम्हारे पेट में थैली बना देते हैं, उसी में थैली हमने के बच्चा को भाग जाता है, बहुत दिन तक थैली में रहता है। देखो थैली में है ना, जैसे आसाम में देखते हैं चाय के बगान, जो जनजातियाँ हैं थारू जनजाति, वो सब अपने बच्चों को पिठिया उठिया में, झारखंड राज्य में चिल्लाएंगे पिठिया, ईटा भी पाथेंगे सब, पिठिया बच्चा भी रहेगा, देखें ना। तो ये जो कंगारू है अविकसित बच्चे को जन्म देता है, और इसके बाद जो हमारा जो संघ आता है, इंसानों वाला संघ, इसको कहते हैं प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। उसके बाद क्या होता है हमारा? यूथेरिया होता है। उसके बाद क्या होता है जी? यूथेरिया। अब यूथेरिया में आते हैं इंसान। क्या आते हैं? इंसान। ये बच्चे को जन्म देते हैं, इनमें दो इंसानों की जरूरत पड़ता है, एक पुरुष इंसान और दूसरा एक महिला इंसान। ठीक है, जब दोनों समागम करेंगे तो एक बच्चे स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, जन्म होने के लिए क्या चाहिए? पुरुष का स्पर्म चाहिए, स्पर्म, और महिला का अंडाणु चाहिए। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो बाबू आएगा पेट में। ठीक है, बहनी भी आ सकती है, तो वो तो संसुप्त विभाजन ठीक बताएंगे, तब उसमें बाबू बहनी कैसी होता है बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो भयंकर पाठ था, जिसको 6 महीना लगता है पढ़ाने में, आपका 200 फाइलम खत्म हो गया। आप लोग इसको याद रखेंगे, अब इसके बारे में हम धीरे धीरे लिखवा देंगे, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन। अब हम लोग जब देखो बायोलॉजी की शुरुआत किए हैं, पूरा जानवर धरती का पढ़ा दिया, किस किस संघ